ये इंसान नहीं जानवर है, हैवान है। इस इंसान को जितना भी कहा जाए वह सब कम है। ऐसे जल्लाद बेटे को तो जन्म देने से पहले ही मार देना चाहिए। जो जल्लाद बेटा अपने पिता पर हाथ उठाए, ऐसे बेटे को तो बेटा कहलाने का हक ही नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये हैवान बेटा किस हैवानियत से अपने पिता पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा है। इस शख्स को बेटा कहलाने का कोई हक नहीं। इस जल्लाद ने वह किया है जिसके लिए भगवान भी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस जल्लाद ने अपने पिता का कॉलर पकड़ रखा है। इसके बाद अपने पिता को सुनाते हुए एक के बाद एक थप्पड़ मारता ही जा रहा है। वहीं सामने इसकी बीवी खड़ी हुई है, वह भी ये सब देखती रहती है, लेकिन एक पल के लिए भी अपने पति को नहीं रोकती। इस शैतान को अपने पिता के उम्र पर जरा सा भी तरस नहीं आता कि बूढ़ी हो चुकी हड्डियां जो अपने शरीर की भार नहीं सह सकती, इस हैवान की मार कैसे सह सकती हैं। ये बुजुर्ग पिता भी सोच रहा होगा, क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी शादी की थी। बता दें कि बेटा पक्के मकान के अंदर रहता है, लेकिन बुजुर्ग पिता घर के बाहर कोठरी में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 परगना से आई हैं। अपने पिता पर हाथ उठाने वाले कलयुगी बेटा का नाम प्रदीप विश्वास है। आरोपी अशोक नगर पालिका का टैक्स अधिकारी है। आप इस पिटाई की वजह सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल विजयदशमी के दिन इसके पिता ने अपनी पत्नी यानी इसकी माँ को मिठाई खिला दी थी। माँ को डायबिटीज की बीमारी है। त्यौहार के दिन अपनी पत्नी को मिठाई खिलाने से ये आग बबूला हो उठा। उसने अपने ही पिता पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये आए दिन अपने पिता को ऐसे ही परेशान करता रहता था। पड़ोसी उसकी हरकत से नाराज रहते थे, इसलिए पड़ोसी ने एक दिन इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसके घर जाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जल्लाद भले ही हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांग रहा हो, लेकिन इस शैतान को ऊपर वाले की अदालत में कभी भी माफ़ नहीं मिलेगी।